Hello viewers, today I am going to tell you about application software. Application software end user software होता है और ये variety of task को पूरा करता है। तो application software अगर ना हो तो हम काम मुश्किल से कर पाएंगे। ये एक interface होता है user और computer के बीच का। ये तीन कैटेगरीज का होता है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन में हमारा एमएस ऑफिस मेनली हम लोग यूज करते हैं। वैसे तो बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं लेकिन प्रोग्राम आते हैं, लेकिन मेनली हम लोग एमएस ऑफिस यूज करते हैं, जिसमें वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम जिसमें हम लेटर लिखते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम जिसमें हम अकाउंटेंसी से रिलेटेड कैलकुलेशन करते हैं या चार्ट बनाते हैं और डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स बनाते हैं इसको यूज़ करके, प्रेजेंटेशन ग्राफिक प्रोग्राम जिसमें हम प्रेजेंटेशन अपने प्रोडक्ट्स का कर बना सकते हैं, अपने इवेंट्स का बना सकते हैं, अपने स्कूल का प्रोजेक्ट बना सकते हैं और एनिमेट भी कर सकते हैं उसमें, और साथ ही में इसमें चार्ट भी बना सकते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रेजेंट करना के लिए हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आना चाहिए। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें हम डिफरेंट सेम टाइप के डेटा को डाल करके उसको मैनिपुलेट करके एसक्यूएल यूज़ करके, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज यूज़ करके हम डिफरेंट रिपोर्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन वन क्लिक। उसके लिए आपको एसक्यूएल आनी चाहिए, एक्सेस को प्रॉपर रन करना आना चाहिए और कैसे रिपोर्ट बनती है, कैसे डिस्प्ले होती है, सब कुछ आना चाहिए। अब आया स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन में प्रोग्राम्स दैट मोर नैरोली फोकस ऑन स्पेसिफिक डिसिप्लिन एंड ऑक्यूपेशनल इंक्लूड। अब इसमें किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए जब हम प्रोग्राम को यूज़ करते हैं तो वो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन में आता है, जैसे ग्राफिक प्रोग्राम। अब ग्राफिक प्रोग्राम में बहुत तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे 3D स्टूडियो मैक्स है, इसमें 3D मूवीज बनाई जाती है, OpenGL है जिसमें डिफरेंट ग्राफिक प्रोसेसिंग होती है, देन कैड कैम है जो इंजीनियर्स के यूज़ के लिए आती है, वो लोग डिफरेंट कार पे डिज़ाइन है और भी डिज़ाइन है जो एरोप्लेन की डिज़ाइन है उसको बनाने के काम में आता है, वेब ऑथरिंग प्रोग्राम जो वेब को ऑथराइजेशन के लिए यूज़ होता है। तो वेब ऑथरिंग के बहुत ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं, इसको किसी दिन बता देंगे। मोबाइल ऐप एड ऑन प्रोग्राम फॉर वैरायटी ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। अब मोबाइल में तो बहुत से ऐप हैं, आप लोग सब यूट्यूब पे हैं तो सब जानते हैं कि उसमें फ़ोटो एडिटिंग हो जाती है, साउंड एडिटिंग हो जाती है, वीडियो एडिटिंग हो जाती है, आप इसमें डिफरेंट ढंग से अपनी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, बना के ऐप को यूज़ कर सकते हैं। स्मार्टफोन और टैबलेट में भी ये सारे कुछ अवेलेबल होता है और ये ऐप्स जो होते हैं आपको ऑनलाइन बैंकिंग का हेल्प करते हैं, आपको क्या नहीं मिलता, आपको हर चीज़ मिल जाती है ऐप से। देन सॉफ्टवेयर सूट्स, कलेक्शन ऑफ सेपरेट एप्लीकेशन प्रोग्राम फोर टाइप्स ऑफ सूट्स आर देयर। अब ये सॉफ्टवेयर सूट क्या होता है, एक तो आप जानते ही एमएस ऑफिस ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट है, फिर क्लाउड सूट्स। क्लाउड्स क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग आपने सुना होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में वो अपनी सारी फैसिलिटी आपको देता है, आपको केवल एक मॉनिटर और कीबोर्ड अपने पास रखना पड़ता है और सारा डेटा का मेंटेनेंस, सारा बैकअप का मेंटेनेंस, सारा प्रिंटिंग का मेंटेनेंस, सारा काम जो होता है और सर्वर का मेंटेनेंस, आपको नेटवर्किंग के लिए भी ऑनलाइन इंटरनेट की फैसिलिटी भी वही प्रोवाइड करता है और आपका सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। तो आपको अगर हार्डवेयर ऑब्सोलीट हो गया तो उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सॉफ्टवेयर भी वही प्रोवाइड करता है तो आपको सॉफ्टवेयर की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्लाउड सूट्स यूज़ करने से, उसकी सर्विस यूज़ करने से आपको मेंटेनेंस चार्ज कम हो जाता है। फिर कहीं आप जाते हैं तो आपको हार्डवेयर लेके नहीं जाना होता है, वहाँ पर आपको
विदाउट हार्डवेयर भी कहीं भी जाके अपने क्लाउड सूट को यूज कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड सूट्स होते हैं जो स्पेशल प्रोफेशन के लिए बने होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं अपने ऑडिट के लिए अलग सूट्स को यूज करते हैं। यूटिलिटी सूट्स होते हैं जो छोटे छोटे प्रोग्राम कंप्यूटर्स के होते हैं जो कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए यूज करना पड़ता है, जैसे एंटीवायरस है आपका, कैस्परस्काई है आपका, डिफरेंट छोटे साउंड के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, वीडियो के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप यूज करते हैं। सो थैंक यू व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज रन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हमने शॉर्ट में आपको आज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बता दिया, अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो आप बताइएगा कमेंट में, हम आपको डिटेल में भी बना देंगे। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू व्यूअर्स।